नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय, आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्लास के बारे में, ग्लास के कलर के बारे में और ग्लास के रेट के बारे में। तो बहुत लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं कौन सा ग्लास लगाऊं, क्लियर लगाऊं, टिंटेड लगाऊं, वन वे मिरर लगाऊं या फिर सोलार कंट्रोल ग्लास लगाऊं। तो इतने टाइप के ग्लासेस होते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि कितने टाइप के ग्लासेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं पहले तो आपको बताऊँगा कि कितने टाइप के कलर के ग्लासेस आते हैं, फिर उनके क्या बेनिफिट्स हैं और फिर उसके उसके जो रेट्स हैं वो क्या हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ पूरे डिटेल में। तो वीडियो को पूरी देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ग्लासेस के कलर्स की और टाइप की। तो जो बेसिक जो कलर्स आते हैं ग्लासेस में और टाइप जो आते हैं, तो पहला तो जो बेसिक आपको ग्लास मिलेगा वो मिलेगा क्लियर ग्लास। फिर क्लियर ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब ट्रांसपेरेंट ग्लास से एक थोड़ा अच्छा वर्जन आता है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी और अच्छी होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। फिर एक्स्ट्रा क्लियर के ऊपर जो ग्लास आते हैं वो है टिंटेड ग्लास। तो टिंटेड ग्लास अलग अलग टिंट्स में आते हैं, मतलब अलग अलग कलर के आते हैं, जैसे उसमें ब्राउन टिंट होता है, ग्रे टिंट होता है। टिंट यानी कि मतलब जैसे अगर ब्राउन ग्लास है तो आपको वो ब्राउन नज़र आएगा, जैसे हम गॉगल से देखते हैं, अगर ब्राउन गॉगल है या ब्लैक गॉगल है तो हमको कैसे ब्लैक एक शेड जो नज़र आता है, तो उसी टाइप से ग्लास में भी होता है। तो वो आपको टिंट नज़र आएगा, ब्लैक टिंट, ग्रे टिंट, ब्राउन टिंट या फिर ग्रीन टिंट, ब्लू टिंट, लेकिन रेगुलरली जो यूज़ होता है वो ग्रे और ब्राउन टिंट यूज़ होता है। अब टिंटेड ग्लास के ऊपर जो ग्लास आते हैं वो आते हैं वन वे मिरर ग्लास। तो वन वे मिरर ग्लास में क्या होता है कि जो बाहर की लेयर होती है ग्लास की, उसके ऊपर मिरर की एक लेयर होती है। तो जिस तरफ भी लाइट ज़्यादा होती है, अभी समझिए अगर लाइट बाहर की तरफ ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम है, तो बाहर से जो है वो अंदर नज़र नहीं आएगा, बाहर से वो मिरर इफेक्ट हो जाएगा और अंदर से वो बाहर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर समझिए कि रात का टाइम है और अंदर लाइट जल रही है और बाहर अंधेरा है, तो बाहर से अंदर की चीज़ें नज़र आएंगी लेकिन अंदर से बाहर की चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, वो मिरर जैसा काम करेगा। तो ये हो गया वन वे मिरर ग्लास। अब वन वे मिरर ग्लास से भी जो अच्छे ग्लासेस आते हैं वो आते हैं सोलार कंट्रोल ग्लासेस। तो ये बहुत हाई एंड ग्लासेस होते हैं, ये यूजली विंडोज़ में लगते हैं लेकिन कम लगते हैं, हाई राइज बिल्डिंगों में लगते हैं, बाकी अगर छोटी बिल्डिंगे हैं तो वहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी भी मतलब उसके हिसाब से ही होती है, हर जगह आपको सोलार कंट्रोल ग्लास नहीं मिलेगा रेगुलर यूज़ में, आपको सोलार कंट्रोल ग्लास रेगुलर ग्लास वाले के पास नहीं मिलेगा। बट इससे नीचे वाले जो भी ग्लासेस हैं वो सारे आपको रेगुलर वेंडर के पास में मिल जाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि जो क्लियर ग्लास है ट्रांसपेरेंट ग्लास, वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो हमको वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमको टिंटेड ग्लास की ज़रूरत यहाँ नहीं है। हम यहाँ पे टिंटेड ग्लास अगर नहीं लगाते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिंटेड ग्लास में क्या होता है कि टिंट आ जाता है, मतलब थोड़ा सा वो डार्क हो जाता है, जिससे बाहर का कोई आदमी अगर अंदर देख रहा है तो शायद उसको उतना क्लियरली नज़र नहीं आए। तो अगर आप क्लियर ग्लास लगाते हैं तो उसमें क्या है कि आर पार दोनों साइड से दिखता है। तो यूजुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है कि आपको प्राइवेसी में हर जगह पे दिक्कत होती होगी, कहीं कहीं दिक्कत होती होगी। लेकिन अगर आप कर्टन्स यूज़ कर रहे हैं और आपकी सीनरी अच्छी है बाहर विंडो के, आपको नज़ारा जो है वो आप देखना चाहते हैं कि भाई मुझे क्लियर व्यू मिले ना कि उसमें कोई डार्क शेड हो, तो आप क्लियर ग्लास यूज़ कीजिए। अब क्लियर ग्लास से अच्छा जो एक ग्लास होता है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। तो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में जो बेनिफिट है वो क्या है कि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास थोड़ा क्लियर ग्लास से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जो अगर आप ट्रांसपेरेंसी लेवल अगर आप देखेंगे तो उसकी क्लियर ग्लास से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। पर जब हम उसको विंडो में लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस नहीं है, लेकिन ड्रॉबैक उसकी ये है कि उसका प्राइस जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास से डबल का प्राइस है। तो लेकिन उसका जो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से अगर आप प्राइस को कंपेयर करें तो वो इतना ज़्यादा नहीं है,
उसका यूज जो है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का, आप बेसिकली कह सकते हैं कि वहां पे हो सकता है जहां पे ग्लास के एजेस नजर आए, क्योंकि अगर क्लियर ग्लास का एज अगर आप देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का होता है, जो एज होता है जहां से ग्लास कटा हुआ होता है, तो वो जो एज होता है वो क्लियर ग्लास का ग्रीन कलर का होता है, पर यही चीज एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास की एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये दोनों डिफरेंस है क्लियर और एक्स्ट्रा क्लियर में। तो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट का आप देख लेना कि वो कैसा एडजस्टमेंट है और क्या आप उस ट्रांसपेरेंसी लेवल पे वो कॉस्ट देना चाहेंगे या नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं टिंटेड ग्लास की। तो टिंटेड ग्लास जो है वो बेसिकली आपको कहाँ पे यूज करना है, टिंटेड ग्लास आपको तब यूज करना है जब आप कहीं, आपके अगर विंडो है वहां से धूप बहुत ज्यादा आती है। अब धूप ज्यादा आती है तो अंदर कहीं कहीं पे अगर कोई फर्नीचर जैसे कि सोफा रखा हुआ है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट हीट पड़ने की वजह से जो सोफे के कपड़े का जो कलर होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो उसको घटाने के लिए, क्योंकि आप उतनी हीट एक साथ में, उतनी लाइट घर में नहीं है, तो उसको कम करने के लिए आप टिंटेड ग्लास का यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो टिंट है वो लाइट को कम कर देता है, तो उसका जो अफेक्ट है, जो भी आपको उसका असर पड़ता होगा डायरेक्ट, वो कम पड़ेगा। तो बेसिकली टिंटेड ग्लास का ये पर्पस है। दूसरा उसका थोड़ा सा एडवांटेज ये भी होता है कि अगर थोड़ा सा अंधेरा है, मतलब लाइट अगर कम है, तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी सी काफी कम हो जाती है, थोड़ी सी नहीं काफी कम हो जाती है, मतलब ज्यादा वो विजिबिलिटी नहीं होती है आर पार की। तो टिंटेड ग्लास की ये एडवांटेज है। अब टिंटेड ग्लास के बाद आते हैं वन वे मिरर ग्लास। तो वन वे मिरर ग्लास में क्या होता है कि जो वन वे मिरर ग्लास होता है उसमें बाहर की तरफ, जैसे कि मैंने बताया कि मिरर की एक कोटिंग होती है, तो ये आपको कब यूज करना है, अगर मान लीजिए आपने कर्टन्स नहीं लगाए हैं, तो आप कर्टन्स अगर आपको नहीं लगाना है, या फिर आप दिन का जो समय है वहां से कुछ ज्यादा ही आपको धूप से परेशानी है, या धूप आप ये चाहते हैं कि आप आर पार देख सकें लेकिन दिन में अंदर कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो उस जगह पे आप ये वन वे मिरर ग्लास यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि दिन के समय में बाहर से कोई भी आदमी अंदर नहीं देख पाएगा, लेकिन अंदर से जो आदमी है वो बाहर देख सकता है। तो ये एक आपको प्राइवेसी के लिए काफी अच्छा ग्लास दिन के टाइम पे मिल सकता है। अगर आपको रात में इसका यूसेज देखें तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि लाइट जिस साइड कम होगी तो उस साइड में ये विजिबल होगा, उस साइड से जो ग्लास है वो विजिबल होगा दूसरी तरफ, लेकिन जिस साइड में लाइट ज्यादा होगी उस साइड मिरर हो जाएगा, तो रात में अंदर की तरफ ये मिरर हो जाता है। तो इसको अगर आपको चेंज करना है, मतलब ये जो अफेक्ट है उसको आपको रात को भी रखना है कि रात को भी मिरर अफेक्ट रहे, तो इसके लिए आपको बाहर की तरफ लाइटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा हेक्टिक काम है। इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर आपको वन वे ग्लास अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसको ज्यादातर आप ऑफिसेज या ऐसे जगह पे आप यूज कीजिए जहाँ पे ज्यादातर इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो दिन के टाइम पे होती है, रात के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। और घर के लिए हम वैसे तो टिंटेड ग्लास रिकमेंड करते हैं, या फिर क्लियर ग्लास आप लीजिए। अब इसके ऊपर एक ग्लास आता है सोलार कंट्रोल ग्लास। तो सोलार कंट्रोल ग्लास क्या है बेसिकली, तो सोलार कंट्रोल ग्लास में अलग अलग टाइप के बहुत सारे ग्लासेस हैं, मतलब इसमें कलर भी आपको अलग अलग बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, मतलब क्लियर, ये सारे ग्लास सोलार कंट्रोल ग्लास में आते हैं। सोलार कंट्रोल ग्लास की जो मेन उसकी जो बेनिफिट है वो ये है, उसका मेन फायदा ये है कि वो यूवी लाइट जो है उसको रोकता है, एब्जॉर्ब करता है, और अलग अलग उसमें आपको अलग अलग लेवल के ग्लासेस मिलेंगे जो जिनकी कैपेसिटी अलग अलग लेवल की होती है, कि कुछ में ऐसा होता है कि लाइट जो है वो अंदर आती है, हीट अंदर नहीं आती है, किसी में ऐसा होता है कि लाइट और हीट दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे ग्लासेस आते हैं, और ये आपको काफ़ी जो फेमस कंपनियां हैं इंडिया में, इन सभी कंपनियों में आपको सोलार कंट्रोल ग्लासेस भी मिल जाएंगे। लेकिन इनका जो मेन यूसेज अभी हो रहा है वो नई बिल्डिंगें, जो हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं वहाँ पे हो रहा है। दूसरा इसका यूज़ हो रहा है जो स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग का जो काम होता है वहाँ पे हो रहा है।
तो इसका बेसिक यूज वहां पे ज्यादा हो रहा है, बट रेसिडेंस में इसका यूज ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये हर वेंडर के पास में सोलार कंट्रोल ग्लास नहीं होता है। लेकिन सोलार कंट्रोल ग्लास से नीचे के जितने भी ग्लास हैं, चाहे वो वन वे हो, टिंटेड हो, क्लियर हो, ये सारे ग्लास आपको रेगुलर वेंडर के पास में मिल जाएंगे। तो ये हो गई बातें जो है वो टाइप्स की और टाइप उनके फायदे की और उनके पर्पस की। अब बात करते हैं इनके रेट्स की। तो प्राइस का ऐसा है कि मैं आपको जो प्राइसेस बता रहा हूँ ये रिटेल प्राइसेस हैं, जिसमें मतलब आपको कोई रिटेल दुकान पे आपको जो ग्लास मिलता है वो इस भाव में आपको लगभग मिलना चाहिए। हर जगह पे अलग अलग ट्रांसपोर्ट की भी वैल्यू जो है वो ऐड होती है अलग अलग स्टेट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी इसमें कम ज़्यादा होता होगा। लेकिन ये एक मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्राइस रेंज जो है वो ग्लास का ये है। तो जो क्लियर ग्लास है 5 mm, मैं सारे जो भी ग्लासेस आपको प्राइसेस बता रहा हूँ वो 5 mm की बता रहा हूँ, क्योंकि मेनली जो ग्लास यूज होते हैं हमारे विंडोज में वो 5 mm के ग्लास यूज होते हैं। अब 5 mm के ऊपर 6 mm का ग्लास यूज होता है, लेकिन अगर 6 mm का प्राइसेस ऐसा होता है कि 5 mm और 6 mm में जो डिफरेंस होता है वो करीब 20 रुपए का फर्क होता है स्क्वायर फीट पीछे, तो वो आप ऐड कर लीजिएगा 6 mm के हिसाब से। लेकिन मैं आपको 5 mm के सारे रेट्स बता रहा हूँ। तो 5 mm अगर आप क्लियर ग्लास देखेंगे तो आपको 50 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपको क्लियर ग्लास आ जाएगा, 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे। अब क्लियर ग्लास से बेटर जो है वो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। अब देखिए मैं किस लिए बोल रहा था कि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास और क्लियर ग्लास में आपको क्यों कंपैरिजन देखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास जो है उसकी कॉस्ट आपको करीबन 100 रुपये पड़ जाएगी पर स्क्वायर फीट। अब देख रहे हैं कि क्लियर ग्लास जो है वो 50 रुपये है और एक्स्ट्रा क्लियर जो है वो 100 रुपये है, तो क्या आप डबल प्राइस भर के आपको क्या उतनी वैल्यू मिल रही है, ये आपको देखना होगा। क्योंकि इसमें सबका अलग अलग परसेप्शन होता है कि किसी को वो चीज़ अच्छी लगेगी, किसी को वो चीज़ शायद उतनी अच्छी नहीं लगे, तो उसके हिसाब से ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको एक्स्ट्रा क्लियर अच्छा लग रहा है या क्लियर अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं टिंटेड ग्लास की। तो टिंटेड ग्लास की आपको प्राइसिंग पड़ जाएगी करीब 65 रुपये, 65 रुपीज़ आपको पर स्क्वायर फीट मिल जाएगा। आपको टिंटेड ग्लास ब्राउन या ग्रे टिंट का ग्लास इजीली मिल जाएगा, या फिर और भी कोई टिंटेड अगर आपको चाहिए होगा जैसे ब्लू या फिर ग्रीन, लेकिन ये सब थोड़े अनकॉमन है, ब्राउन और ग्रे रेगुलर वाले हैं, तो ये इजीली आपको अवेलेबल होंगे आपके वेंडर के पास में। अब टिंटेड के बाद में ग्लास आता है वन वे मिरर। तो वन वे मिरर की जो कॉस्ट है वो आपको पड़ जाएगी करीब 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के पास में, तो 80 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपको वन वे मिरर ग्लास मिलेगा। अब वन वे मिरर के ऊपर हम जाते हैं अगर सोलार कंट्रोल ग्लास के पास में, तो सोलार कंट्रोल की प्राइस जो ग्लास है उसकी प्राइसेस जो है वो बहुत वेरी करती है। अब कैसे वेरी करती है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है 100 रुपये से, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट से, लेकिन ये इसका जो अपर लेवल है वो आप 200-250 रुपये तक के ग्लासेस आते हैं पर स्क्वायर फीट। तो आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग चॉइसेस के हिसाब से आपको देखना होगा कि कौन सा ग्लास आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके उसके अलग अलग हिसाब से उसकी प्राइसिंग होगी। लेकिन इसका जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो आपको 100 रुपये पर स्क्वायर फीट का भी आपको ग्लास मिल जाएगा और 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट का भी आपको ग्लास मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेगुलरली जो ग्लास यूज होते हैं विंडोज में उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी ऐसे डाउट्स या कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो आप मुझे कमेंट में आप लिख दीजिए, तो मैं उसको आपको जो भी उसके सोल्यूशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारी वीडियोस देखिए। अगर आपने नहीं देखी हुई है मेरे चैनल पे तो मैं बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ एल्यूमिनियम विंडोज से रिलेटेड, और आप इसको देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि और भी कोई वीडियो आपके काम की है कि नहीं। धन्यवाद।